कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह साबित करके दिखाया है संस्कारधानी जबलपुर की एक बेटी ने, जिन्होंने दिव्यांगता की बोरियों को तोड़कर संस्कारधानी ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। उस समय हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रुबीना फ्रांसिस है और मैं पिस्टल शूटिंग में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है पैरालंपिक 2024 में, और ये मेरा दूसरा ओलंपिक है जहाँ पर मैंने अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। ये क्योंकि वहाँ तक पहुँचना कितना कठिन था, ये सब 10 साल की मेहनत है, तो कठिन तो बहुत था। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करी हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस ऑफ करी हैं, फाइनेंशियली, मेंटल भी, फिज़िकली भी, तो बहुत कठिन था चीज़ें। लेकिन जब पहुँचोगे खेल के लिए तो वहाँ एक डर भी रहता है कि तमाम बातें आती मन में, लेकिन उन सब चीज़ों को किनारे छोड़कर आपने ये पदक जीता है, कितनी खुशी है इसको लेकर के। देखो, कितना भी खेल लें तो एक्सपीरियंस गेन होता है, बट वो डर, वो चीज़ें नहीं ख़त्म होती, क्योंकि हम पोडियम में एक नए तौर से एक नए देश में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें वो ही फीलिंग होती है कि हम हर बार जीते, क्योंकि कोई हारने के लिए तो खेल है नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली वी हैव अ प्रेशर, तो उस प्रेशर को हैंडल करना वो आपके इर्द गिर्द के लोगों को के ऊपर भी होता है और खुद के ऊपर भी होता है कि आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो ऑल थैंक्स टू कोचेस कि उन्होंने उस टाइम पे ऐसा माहौल क्रिएट किया कि हमें इतना प्रेशराइज फील नहीं हुआ, और वही उसका रिजल्ट है कि हम देश के लिए मेडल ला पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आगे और भी मेडल देश के लिए लाएं? बिल्कुल, अब एक आ गया तो और भी आ जाएंगे। इसकी पूरी कोशिश करूंगी और मेहनत करूंगी और देश का नाम और रोशन करूंगी। क्योंकि जब आप वहाँ से लौटे तो पीएम मोदी से भी मिले, तो एक वो क्या अनुभव था उनसे मिलने का? बहुत अच्छा था, तीसरी बार मुलाकात थी उनसे, इंटरेक्शन था, और लास्ट टाइम मैंने उनको कहा था कि आई विल श्योरली गेट दिस मेडल, तो नेक्स्ट टाइम में आई हैव प्रूवन दैट कि आई एम विनिंग दिस मेडल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऐसे आपके जर्नी की बात करेंगे तो शुरुआत दौर था, सबसे पहले आप एक बताते हैं कि स्कूल से आपकी जब शुरुआत हुई थी वहाँ पर, तो वहाँ पर जो आपके कोचेस हैं, आप तो खेलना चाह रहे थे लेकिन जब परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन जो कोच ने आपको मनाया, इस आगे लेकर आए, तो क्या कहेंगे? क्योंकि क्योंकि तमाम हम उन अभिभावकों के लिए बात भी करते हैं, उनके बच्चे हैं उनके लिए भी, तो ये कि उस टाइम तो नॉलेज नहीं थी और चीज़ें फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ाई भी कर रही थी, भाई भी था, भाई की भी पढ़ाइयाँ चल रही थी, तो सारी चीज़ मैनेज करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होती है। बट उन्होंने किया, वो मेरे सौभाग्य की बात है कि उन्होंने कभी मना नहीं किया इस चीज़ के लिए, और इसी दौरान मेरे कोचेस ने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट किया वेपन के थ्रू, एमुनिशंस के थ्रू, तो उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है इन सब चीज़ों में। तो ऐसे अगर रहा हमारा देश तो ऑब्वियसली मेरे जैसे और भी खिलाड़ी निखरेंगे। क्योंकि ये भी बात है कि क्योंकि एक दिव्यांग शब्द है वो आपसे जुड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि कभी ऐसा समय आया हो जब लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे आलोचना भी करते हैं, तमाम बातें करते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं दिव्यांग, क्योंकि उस टाइम पे तो इतनी नॉलेज नहीं थी। हाँ, पेरेंट्स वर लाइक कि हाँ शायद लड़की है, थोड़ा बहुत था उस टाइम पे, होता है, आज से 10 साल पहले तो मेंटालिटी थोड़ी सी थी छोटी, बट उन्होंने बहुत जल्दी समय के अकॉर्डिंग कोप अप किया, मुझे उन सब चीज़ों से बाहर निकाला। और सिंपली बात है, मैं विदाउट पेरेंट्स मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, मेरा फर्स्ट ट्रैवल 2017 ही में था जब मैंने बाहर गई हूँ, तो कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया हैज़ सम नॉलेजेबल पर्सन, स्मार्ट पर्सन, जहाँ पे लोग बुली नहीं करते हैं। तो जब शिफ्ट हुई मैं, तो मुझे एहसास हुआ कि अगर कहीं अच्छा है तो बुरा भी है, तो इट्स लाइक ओके, आई कैन डू इट, आई कैन फेस इट, और मैंने फेस किया। ऐसा भी है कि कोचेस वगैरह जो आपके हैं वो घर तक आए हैं मनाने के लिए, आपको खेलने के लिए तैयार किया? हाँ बिल्कुल किया है, क्योंकि टोक्यो के बाद 6 महीने के लिए मैंने प्रॉपर मतलब छोड़ ही दिया था, मुझे शूटिंग करने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी, तो सुभाष राणा सर वॉज द ओनली वन जिन्होंने मुझे वापस शूटिंग के लिए भेजा। इवन मॉम डैड भी वॉज लाइक कि जाओ शूटिंग करो, यहाँ पे क्या है, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, बट हाँ उस टाइम 2-3 लोग थे जब मुझे पुश किया, और वो पुश का ही नतीजा है, नहीं तो मैं तभी हार मान लेती। आखिर क्यों आपने ऐसा सोच लिया कि क्यों मतलब हार मान ली आपने? हार इसलिए क्योंकि आई वॉज किड, मैं उस समय इतनी मैच्योर नहीं थी, आई एम नाउ 25, तो आज से अगर 4-5 साल की बात करूँ तो मैं 20 साल की ही थी, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी चीज़ों की, तो हार मानना इज लाइक उस टाइम तो
छोटी-छोटी बातों में ही हम रो देते थे, तो ये तो मेरे लिए एक बड़े लेवल की बात थी, टोक्यो से बाहर आना 7th पोजीशन में अपनी गलती से, तो वो चीज़ें कोप अप नहीं कर पा रही थी। रोया मैंने पूरा एक दिन, बट वो पुरानी सारी चीज़ें जो रिवाइन हो रही थी मैं उसे भुला नहीं पा रही थी, तो उसके लिए आई नीड समबडी कि वो मुझे बाहर निकाले। वो मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे निकाला बाहर, तो उसी का रिजल्ट है कि हमने 3 साल की कड़ी मेहनत से ये लिया है। अब जो दूसरे और भी हैं युवा हैं जो खेल में आगे हार मान जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि हार मानना, हर लोग अपनी ज़िंदगी में हार मानते हैं, खिलाड़ी नहीं हर एक फील्ड में, बट उनके पास अगर कोई पॉजिटिविटी है जिन्हें लगता है कि वो उन्हें बदल सकते हैं, तो प्लीज़ अप्रोच, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक इंसान होना चाहिए जो आपको चीज़ों से बाहर निकाले, आप जिस पे ट्रस्ट कर सको, और अगर वो इंसान है तो आप कभी हारोगे नहीं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जैसे अभी देखा कि मेरे स्वागत के लिए इतने सारे लोग हैं, टोक्यो में मुझे किसी ने पूछा भी नहीं, तो पर मेरे पास मेरे अपने थे जिन्होंने मुझे ऊपर उठाया और आप लोगों के पास लाया, तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि अगर कोई मेडल नहीं लाता तो उसका मतलब ही नहीं कि उसके पास कोई है नहीं, समबडी इज़ देयर, इसलिए वो 4 साल बाद अपनी जर्नी फिर चालू करता है, फिर खड़ा होता है। ये थे रूबीना, जिनका साहब कहना है कि हार नहीं मानना चाहिए। उनके पिताजी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, हम आपसे बताए सर, आपसे ये जानेंगे कि क्योंकि इसलिए इतने बड़े लेवल पर जाना आपके लिए कितना, सबसे पहले तो बेटी का सहयोग, लेवल पर जाना हर माँ बाप का, मैं बेटी ने इतना कर दिखाया वो अपने लेवल पर पहुँची, और जो आज ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई ओलंपिक में, उसमें बेटी का ज़्यादा। जब आप जब जाते होंगे जहाँ आपका वर्कशॉप है, तो वहाँ लोग अब आपके नाम से नहीं आपकी बेटी के नाम से आपको जानते हैं, जब वो छड़ लोग बोलते हैं तो कितना कैसा महसूस कर होता है? खूब अच्छा महसूस, बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, और ये बातें पूरी इंडिया में अब रूबीना फ्रांसिस के नाम से, उसके पापा को साइमन फ्रांसिस के नाम से जाना जा रहा है, बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी। और हर बच्चे, हर माँ बाप को ऐसे बच्चे हो उनके पास, तो ऐसे ही नाम होता रहेगा माँ बाप को। लेकिन क्योंकि बहुत कॉस्टली गेम होता है ये, आपके लिए इतना वो नहीं था लेकिन आपने कर दिखाया है, तो दूसरे माँ बाप के लिए क्या कहेंगे आप? माँ बाप एक्चुअली, अगर बच्चे टैलेंटेड तो माँ बाप हार नहीं मानेंगे, कोई भी हर माँ बाप जो चाहते कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, तो मेरी बेटी ने टैलेंट अपना दिखाया, उसमें हम लोगों ने हार नहीं माना, चाहे महंगा गेम हो या सस्ता, उस पर मैंने नहीं, मैं हार नहीं मानी, उसकी ही जीत से मेरी जीत बनी है, मैंने बस। उनके पिताजी थे, उनकी माता जी भी हमारे साथ मौजूद, उनसे ही बात करेंगे आंटी, क्योंकि आपसे जानेंगे, क्योंकि जब खेल है ऐसा कहा जाता है कि रूबीना खेलना नहीं चाह रहे थे, तो घर में जो कोचेस वगैरह हैं वो घर आए थे, उन्हें मनाने के लिए, उन्हें मनाया ले जाने के लिए, तो आपने कितना वो कंडीशन किया? रूबीना नहीं, रूबीना खेलना चाहती थी, और हम लोग इतना महंगा गेम था करके हम लोग थोड़ा पीछे हट रहे थे, पर निशान सर ने कहा नहीं आप आगे आइए, और आपकी बेटी में टैलेंट है, वो कुछ कर दिखाएगी आगे चल के, तो हम लोगों को कुछ से ही थोड़ा सपोर्ट मिला और हम फिर आगे बढ़े। मंथली फीस इतनी थी तो हम मतलब थोड़ी थोड़ा पेमेंट करते थे, और सर ने भी बहुत सपोर्ट किया, कभी उन्होंने कहा कि आप तुरंत पूरा फीस दो हैं, तो फिर हमारी बेटी आगे बढ़ती गई, और आज देख आप लोग सब देख रहे हैं कितना अच्छा रिजल्ट है। कितनी खुशी है आपको आज? आज बहुत खुशी है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि आज हमारी बेटी घर आई है। कि ये दिव्यांग शब्दों से जुड़ा हुआ था, तो क्या लगता है जब लोग बोलते थे इस तरीके से, तो क्या लगता था आपको कि लोगों को क्या है? लोगों तो कुछ भी बोलते हैं, पर हमने कभी अपनी बेटी को उस नज़र से देखा ही नहीं कि हमारी बेटी दिव्यांग है, है ना? दिव्यांग बच्चे नहीं माँ बाप होते हैं, जैसी सोच रखते हैं। तो एक दूसरे जो अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, अपने बेटों को आगे बढ़ाएं? हर माँ बाप को अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, बच्चे में टैलेंट है तो माँ बाप कभी पीछे ना हटें, हर माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। ये थे रूबीना की माता जी, जिनका साफ कहना है कि हर जो बच्चों की जो ख्वाहिश है उसे पूरा करना चाहिए, और ऐसे ही आगे चलकर जो बच्चे हैं वो आगे निकलते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, संस्कारधानी जबलपुर की जो बेटी रूबीना फ्रांसिस ने जो कर दिखाया है वह काबिले तारीफ है, और आज पूरे देश पर उन पर नाज है। शिव चौबे, TV9 भारतवर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।